राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव पत्रुशेव ने पीएम मोदी से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा। मोहन भागवत ने भगवा को बताया देश के किसान, कहा सनातन को किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सावरकर पर अब मौन रहेगी कांग्रेस, पवार के दखल से विवाद सुलझा, एनसीपी नेता और सोनिया गांधी ने शिवसेना को दिया भरोसा। केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले हमारे विधायक धमकाया जा रहा है, हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। यूपी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास, ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पास, 48 घंटे में जारी हो सकती है निकाय चुनाव की अधिसूचना। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि रामनवमी में सीपी ज्वाइंट सीपी सहित आला अधिकारियों ने पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं ज्वाइंट सीपी ने बताया कि पूरे शहर सहित रावतपुर में शोभा यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी करेगी, ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। शोभा यात्रा में आरपीएफ, आरएएफ, पीएसी कम सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम, बिजली विभाग सहित सभी विभागों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं यातायात बाधित ना हो इसके लिए रूट डायवर्जन किए जाने की भी बात कही गई है। सुल्तानपुर सम्राट अशोक क्लब और ओबीसी महासभा द्वारा आयोजित चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने दीप जलाकर सम्राट अशोक महान के तैथ चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। बता दें कि सम्राट अशोक क्लब और ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, देश की सारी कंपनियों को बेचकर देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, देश की जनता महंगाई और जीएसटी से परेशान है। आजादी के बाद भाजपा पहली सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों विभागों को अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC आदि अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी के हाथों में अरबों खरबों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच दिया है। बैंक इन पर अलग से मेहरबान है, यानी जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की गुंजाइश थी उन विभागों को निजी हाथों में बेचकर हमेशा हमेशा के लिए नौजवानों के मुंह का नवाला छीन रही है सरकार। डीएम और एसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने पुलिस बल के साथ कारागार में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण में महिला बैरक, पुरुष बैरक को चेक किया गया। जेल में साफ सफाई व्यवस्था सहित खाने पीने संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में भी डीएम और एसपी से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान कारागार के अंदर और बैरकों में किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध चीज नहीं पाई गई। अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के कपूरीपुर के ग्राम प्रधान उमापति ने अपनी मेहनत से पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। बता दें कि उन्होंने गांव के लोगों के लिए नाली, सामुदायिक शौचालय, गौशाला और पानी की टंकी का निर्माण कराया है। साथ ही गांव के सचिवालय को भी हाईटेक बना दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए गए सचिवालयों में CCTV से लेकर वॉइस रिकॉर्डर, मीटिंग हॉल, प्रधान बैठक कक्ष और स्टोर रूम सब कुछ हाईटेक तरीके से बनाए गए हैं। बस गांव का विकास करना है, जो सरकार से धन मिलता है उसको गांव के
विकास में और गांव के लोगों के लिए वो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन सब और सब गौशाला में करेंगे। जी कार्यशैली बहुत अच्छी है और जैसा कि आप देख रहे हैं पंचायत भवन का निर्माण बहुत अच्छा से हुआ है और विकास कार्यों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो हमारे गांव की जनता और हमारी ग्राम सभा के लोग काफ़ी खुश रहते हैं प्रधान जी से और हम लोग यही आशा करते हैं कि ऐसे ही हमारे गाँव का विकास और ग्राम सभा का विकास होता रहे। आपकी ग्राम प्रधान का क्या नाम है? हमारे ग्राम प्रधान का नाम है श्री उमापत तिवारी जी, जो कि ग्राम सभा के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं और हमेशा ग्रामीणों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हम लोग उनसे यही अपेक्षा भी करते हैं। हरदोई पाली इलाके में जमीन विवाद को लेकर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। बता दें कि पाली थाना क्षेत्र के कनकापुर निवासी का जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके शिकायत करने के लिए पीड़िता अपने माता पिता के साथ थाने गई थी, जहां उप निरीक्षक राजेश शुक्ला बिना तहरीर पढ़े उसे गालियां देने लगे और सुलह करने का दबाव बनाने लगे। जब पीड़िता ने इस घटना का वीडियो बनाना चाहा तो इस पर नाराज दरोगा ने उसका मोबाइल फेंक दिया और पीड़िता को लात घूसों से पीटने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने एसपी राजेश द्विवेदी से मामले की शिकायत की है। अब एसपी ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल हमारा पारिवारिक झगड़ा था अपना जमीन को लेकर, जिसमें हमारा हमारे पिताजी का उनके भाइयों से समझौता हो गया था, उसके आधार पर उन्होंने अपना अपनी नींव वगैरह बना ली थी। तो जो विपक्षी थे हमारे, उन्होंने हम उसी नींव के ऊपर अपनी दीवार बना रखी हुई थी, उसके उसके लिए हमने थाने में जाके अपनी कंप्लेंट की। तो उन्होंने हमारी बात न सुनते हुए विपक्षियों की बात को सुना और न तो हमारी एप्लीकेशन को पढ़ा और न ही हमसे किसी भी तरीके का कोई संपर्क करना चाहा। हमसे ये भी कहा कि आपने हमें रुपए नहीं दिए हैं और ना ही कौन है, कौन कह रहा था, क्या राकेश नाम? शुक्ला जी, जो कि हमारे हल्का इंचार्ज थे। तो उन्होंने इस बात को जब कहा और इस बात को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्हें 25,000 रुपये विपक्षियों ने भी दिए हैं। रायबरेली में एक विकलांग व्यक्ति की जगह पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया है। बता दें कि सलवन तहसील के अंतर्गत बघौला ग्राम में रहने वाले विकलांग व्यक्ति की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद उस जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। विकलांग ने कई बार दबंगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित विकलांग का कहना है कि इससे शासन की भी मिली भगत है। पीड़ित कई दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी परेशानी का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है, जिस कारण पीड़ित विकलांग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।